शॉर्ट सर्किट से दो दुकानों में लगी भीषण आग, अग्निशमन एवं पुलिस विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। आग से करीब 60 से 70 लाख रुपए के कपड़े जलकर हुए राख। महराजगंज के नौतनवा कस्बे में दुकान और गोदाम में लगी भीषण आग। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज से आ रही है, जहां जिले के भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे नौतनवा कस्बे में दो दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक शाम को दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह के करीब 5 बजे दुकानों से आग की लपटें निकलने लगीं, जिसे देखकर लोगों ने शोर मचाया। देखते ही देखते दुकानें धूं धूं कर जलने लगीं। बाद में इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम व पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर अग्निशमन विभाग के लोग जमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि लोगों के समझ में नहीं आया कि क्या करें। चारों तरफ भगदड़ मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों को लगा कि पटाखे की वजह से आग लगी है। आग पूरे मोहल्ले में न फैल जाए, इस वजह से लोग अपने बचाव में जुट गए। इसी बीच पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। थोड़ी देर में नेपाल और भारत से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नानक नगर वार्ड नंबर 22 सूरत साड़ी सेंटर और गौरव साड़ी सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान मालिक रूपेश अग्रवाल ने बताया कि लगभग 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। त्यौहार की वजह से पूरा दुकान कपड़ों से भरा था। इस नुकसान से पूरा परिवार सदमे में है। इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहिया नेपाल के इंचार्ज कृष्ण कुमार विष्ट ने बताया कि सूचना मिलते ही नेपाल से दमकल की गाड़ी भेजी गई है। वहीं मौके पर पहुंची सीओ आभा सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। क्या कारण अब तक स्पष्ट हो पाया है और दमकल विभाग और पुलिस विभाग की टीम कितनी बजे यहाँ पे लगी हुई है? सुबह करीब 5 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि यहाँ के एक व्यवसायी कपड़ा व्यवसायी हैं, उनकी दुकान में कुछ दुकानों में आग लग गई है। तो मौके पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी। यहाँ नौतनवा की बगल के राष्ट्र नेपाल की भैरहवा की भी फायर की गाड़ियां आई हैं और फरिंदा फायर स्टेशन से भी गाड़ियां आई हैं। आग लगने का क्या कारण अब तक स्पष्ट हो पाया है? अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। इनके द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये किस चीज़ की दुकानें थी और कितने का नुकसान हुआ होगा? ये कपड़े की, सारी दुकानें कपड़े की थी और इनके द्वारा बताया जा रहा है करीब 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर कृष्णनगर मथुरा, निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अपरा क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अति अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्विलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल कृष्णनगर मथुरा।